पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त दिलाने के लिए यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी शहर में कई जगह पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल पाई। नयापुरा विवेकानंद चौराहे से बस स्टैंड की ओर निजी बसों को प्रशासन की ओर से 2 मिनट का स्टॉपेज दिया था, लेकिन वहां पर निजी बसें आधे घंटे से भी अधिक समय तक खड़ी रहती है। साथ ही ऑटो चालक भी यहाँ पर अपने ऑटो खड़े रखते हैं, जिससे कई बार जाम के हालात बनते हैं। ये नयापुरा विवेकानंद चौराहा कोटा का एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ ट्रैफिक आता भी जाता है और जाता भी ज़्यादा है। यहाँ पर लगा हुआ जाब्ता, मैं वो मेरे साथ में जो जाता है लोगों को समझाइश करते हैं, और जो नियमों को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है, और पूरी कोशिश की जाती है कोई जाम नहीं लगे और कोई ज़्यादा देर यहाँ ठहरे नहीं। स्टॉपेज जितना समय का है उतनी देर ठहर के उनको रवाना करने की कोशिश की जाती है। और नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे लोग बसें खड़ी हो जाती है, उसको लेकर उनको समझाइश करके और जल्दी से जल्दी रवाना करवाते हैं, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और यातायात बाधित नहीं हो। कई लोग साइड भी निकलते हैं, उनके खिलाफ जो मतलब नियमानुसार जो जुर्माना है या विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें चालान बनाए जाते हैं।